हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं माइन विटनी यू टेस्ट, और इसी को हम लोग बोलते हैं विलकॉक्सन रैंक सम टेस्ट। यहाँ पर एक और टेस्ट होता है विलकॉक्सन साइंड रैंक टेस्ट, जिसका वीडियो हमने पहले ही बना लिया है, वो अलग होता है, ये अलग होता है। तो यहाँ पर हम लोग इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन विथ न्यूमेरिकल देखेंगे। तो जब भी हम लोग हाइपोथेसिस टेस्टिंग की बात करते हैं, दो टाइप का होता है, पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक। नॉन पैरामेट्रिक में आता है हमारे पास माइन विटनी यू टेस्ट। तो चलो अब हम लोग इसका डिटेल देख लेते हैं। तो नॉन पैरामेट्रिक का जब हम लोग बात करते हैं, इसमें दो टाइप का होता है, एक होता है साइंड रैंक टेस्ट, दूसरा होता है रैंक सम टेस्ट। इसका डिस्कशन हमने कर लिया है, फिर भी मैं बता देता हूँ। साइंड मतलब आपका होता है पॉजिटिव या फिर निगेटिव, और रैंक मतलब तो रैंक ही होता है, मतलब उससे मैग्नीट्यूड पता चलता है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कौन है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये रैंक सम टेस्ट। तो रैंक सम टेस्ट में क्या होता है, इसमें भी दो चीज़ें, रैंक और सम। तो रैंक मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पता चलता है, और सम उन सबका जोड़ मतलब टोटल कितना हो रहा है। तो इसके बेसिस पे हम लोग ये टेस्ट करते हैं। साइंड रैंक टेस्ट का डिस्कशन हमने प्रीवियस वीडियो में जैसे किया हुआ है, कि इन सब का हाइपोथेसिस टेस्टिंग का कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, विलकॉक्सन रैंक साइंड टेस्ट, ठीक है। उसके बाद रैंक सम टेस्ट में आता है मैन विटनी यू टेस्ट, और इसी को बोलते हैं विलकॉक्सन रैंक सम टेस्ट। तो यहां पर दोनों है, यहां पर भी विलकॉक्सन है, यहां पर भी विलकॉक्सन है। यहां पर है रैंक और साइंड का कॉम्बिनेशन है, और यहां पर रैंक और सम का कॉम्बिनेशन है। तो यहां पर इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसका प्रॉपर्टीज का। तो जो मैन विटनी यू टेस्ट है, इसी को हम लोग विलकॉक्सन रैंक सम टेस्ट बोलते हैं, या फिर इसी को मैन विटनी विलकॉक्सन टेस्ट भी बोल देते हैं। इस पॉपुलर नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है फॉर इंडिपेंडेंट और अनपेयर्ड डेटा, मतलब जो इंडिपेंडेंट डेटा होता है, रैंडम डेटा होता है, जो अनपेयर्ड होता है उसके लिए हम लोग ये टेस्ट करते हैं। जो पेयर्ड या फिर डिपेंडेंट होता है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये साइंड रैंक टेस्ट करते हैं, जिसमें विलकॉक्सन रैंक साइंड टेस्ट होता है। और यहाँ पर पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक क्या होता है मुझे बताने का जरूरत है क्या? ऑलरेडी आप लोग को ये बताया हुआ है प्रीवियस वीडियोस में। अब इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं। दिस टेस्ट इज ऑफन परफॉर्म्ड एज ए टू साइडेड टेस्ट, मतलब ये परफॉर्म जब हम लोग करते हैं तो टू साइडेड होता है, मतलब एक ही तरफ नहीं होता है। ये टू साइडेड का क्या मतलब है, आगे मैं जब क्वेश्चन लूंगा तो बताऊंगा। फिर द प्रोसीजर फॉर द टेस्ट इन्वॉल्व पुलिंग द ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम द टू सैंपल्स इनटू वन कंबाइंड सैंपल, मतलब हमारे पास दो सैंपल है उसको एक साथ पुल कर देते हैं, मतलब सारे सैंपल को मिला लेते हैं, एक कंबाइंड सैंपल बन जाता है। उसके बाद कीपिंग ट्रैक ऑफ विच सैंपल ऑब्जर्वेशंस कम फ्रॉम एंड देन रैंकिंग लोएस्ट टू हाईएस्ट फ्रॉम वन टू एन वन प्लस एन टू रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर बोल रहा है, इसको सिंपल एग्जाम्पल समझते हैं। मान लो हमारे पास सेक्शन ए है और सेक्शन बी है, ठीक है। तो सेक्शन ए में कुछ स्टूडेंट होंगे, सेक्शन बी में कुछ स्टूडेंट होंगे। मान लो सेक्शन ए से हम लोग तीन स्टूडेंट लेते हैं, इनका मार्क्स लेते हैं, ठीक है। इनका मार्क्स है सेक्शन ए से, एक का 75 है, एक का 80 है, एक का 90 मार्क्स है। सेक्शन बी में कुछ स्टूडेंट है, मान लो सेक्शन बी से हमने चार स्टूडेंट ले लिए, तो यहाँ पर एक मान लो आ गया 85 मार्क्स आ गया, एक का 60 आ गया, एक का 35 आ गया, एक का 95 आ गया। अब क्या करेंगे, इनको रैंकिंग करेंगे। तो इधर से रैंकिंग करोगे सेक्शन ए में तो ये 75 वाला फर्स्ट होगा, लेकिन ऐसा रैंकिंग नहीं करते हैं, ये दोनों सेक्शन को कंबाइन करके रैंकिंग निकालते हैं। तो हमने रैंकिंग दे दिया दोनों सैंपल को मिला करके, लेकिन उसके बाद वापस से उनको उन्हीं ग्रुप में भेज दिया, जैसे ए को इधर भेज दिया, बी को इधर भेज दिया। इसका फार्मूला क्या होता है, जेड वैल्यू हमें निकालना पड़ता है, जेड इज इक्वल टू मॉड्यूलस यू माइनस मीन डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डिविएशन। तो अल्टीमेटली ये फार्मूला यूज करके हम लोग जेड का वैल्यू निकालते हैं, और यहाँ पर यू क्या है, यू इज इक्वल टू, ये मैन विटनी यू टेस्ट है ना, तो इसमें यू वैल्यू हम लोग निकालते हैं। यू इज इक्वल टू होता है एन वन प्लस एन टू, मतलब यहाँ पर ए में कितने थे, तीन लोग थे, तो एन वन इज इक्वल टू तीन हो गया। बी में कितने थे, चार लोग थे, तो एन टू इज इक्वल टू फोर हो जाएगा, ठीक है। तो वही है एन वन प्लस एन टू प्लस एन वन इन ब्रैकेट एन वन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू माइनस आर वन। ये फार्मूला कब यूज करते हैं, जब एन वन एन टू से छोटा होता है। तो यहाँ पर देखो एन वन थ्री है, एन टू फोर है, तो इस कंडीशन में हम लोग ये फार्मूला यूज करेंगे। लेकिन एक दूसरा भी कंडीशन हो सकता है, मान लो हमारे पास एन वन और एन टू का कंपेरिजन करेंगे तो एन टू छोटा है, तो यहाँ पर जो जहाँ जहाँ पर इसमें एन वन था, एन वन तो वहाँ पर हम लोग यहाँ पर ये एन टू और एन टू कर देंगे इन दोनों जगह पर, यहाँ पर से यू का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो किस कंडीशन में कौन सा फार्मूला यूज करना है आपको आना चाहिए।
यहाँ पर R1 और R2 क्या है, सम ऑफ रैंक्स। उसके बाद फिर इसका मीन निकालते हैं, तो मीन का फार्मूला होता है N1 इंटू N2 डिवाइडेड बाई 2। स्टैंडर्ड डिवीजन का फार्मूला होता है अंडर रूट N1 इंटू N2 इंटू N1 प्लस N2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, इसके फार्मूले अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, सारे फार्मूले सही होते हैं, उनसे भी निकलेगा, इनसे भी निकलेगा। ये मैं सिंपलेस्ट फार्मूला लिया हूँ, इससे आपका डेफिनेटली सही आंसर आ जाएगा। अब हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स ऑफ सेम क्लास आर स्टडिंग इन टू डिफरेंट सेक्शंस ए एंड बी। 6 स्टूडेंट फ्रॉम सेक्शन ए एंड 8 स्टूडेंट फ्रॉम सेक्शन बी आर गिवन अ टेस्ट, द मार्क्स ऑब्टेन बाई देम आर गिवन बिलो। तो सेक्शन ए के 6 बच्चों ने टेस्ट दिया, सेक्शन बी के 8 बच्चों ने टेस्ट दिया, उनके नंबर ये रहे। अब हमें क्या करना है, टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द एवरेज मार्क्स ऑफ बोथ द सैंपल्स आर इक्वल यूजिंग रैंक सम टेस्ट। तो आपको ऐसे रैंक सम टेस्ट भी बोल सकता है, ये बोल दिया इसका मतलब आपको ऑटोमेटिकली माइन विटनी यू टेस्ट लगाना है, उसी को हम लोग विलकॉक्सन रैंक सम टेस्ट बोलते हैं। तो आपको रैंक सम टेस्ट नहीं देगा तो माइन विटनी यू टेस्ट दे देगा, या फिर विलकॉक्सन रैंक सम टेस्ट दे देगा। विलकॉक्सन रैंक सम टेस्ट और विलकॉक्सन साइंड रैंक टेस्ट, ये दोनों में कन्फ्यूजन होता है भैया बड़ा, तो ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है। तो अब हमने ये चीज़ ले लिया, जो टेबल था वो ले लिया, और यहाँ पर हमने सारा फार्मूला लिख दिया है। तो पहले तो यहाँ पर हाइपोथेसिस सेट कर दो, तो एच नॉट क्या होगा, एवरेज मार्क्स ऑफ सेक्शन ए एंड सेक्शन बी आर इक्वल। अब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस सेट कर लो एच ए, तो क्या हो जाएगा, एवरेज मार्क्स ऑफ सेक्शन ए इज नॉट इक्वल टू एवरेज मार्क्स ऑफ सेक्शन बी। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इनका तो पहले N1 निकाल लो, ये N1 इज इक्वल टू कितने लोग हैं, इधर 6 लोग हैं, और इधर क्या बोला है N2 इज इक्वल टू 8 लोग हैं। अब इनका रैंकिंग करना है, तो भाई रैंकिंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे छोटे से रैंकिंग करते हैं। ठीक है, तो सबसे गधा बच्चा कौन है, पकड़ो, गजब बेइज्जती है, तो ये 35 वाला है, तो इसको दे दो रैंक 1। उसके बाद फिर इसके ऊपर कौन सा है, ये 50 वाला दिख रहा है, इसको दे दो रैंक 2। उसके बाद फिर 50 के ऊपर ये 54 दिख रहा है, इधर कहीं पर है क्या कुछ, नहीं है, तो 54 को दे दो रैंक 3। अब 50 में और किसी का नंबर है क्या, इधर नहीं है। 60 में ये एक है 63, ये भी 63 है, और ये भी 63 है, तीन लोग 63 में है, तीन रैंक तक हो चुका है, मतलब चौथा पाँचवा और छठवा रैंक डिवाइडेड बाई 3। तो इन सबका एवरेज निकाल दो, 4 + 5 + 6 = 15/3, तो ये हो गया 5। तो ये वाले 63 को इसको भी पांचवा रैंक दे दो, चलो भाई तुम भी पांचवा रैंक आ जाओ, तुम भी पांचवा रैंक आ जाओ, तीन लोग पांचवें पे आ गए। अब हमारे पास छठवा रैंक तक कंप्लीट हो गया, अगला होगा सातवा, और 60 में कोई है तो ये है 67 वाला, तो इसको दे दो 7th रैंक। उसके बाद फिर 70s में देखो, इधर 75 है, इधर पर 74 है, हाँ तो ये आ जाएगा हमारे पास 8th रैंक, 75 वाला 9th रैंक आ जाएगा, और 70s में कोई है, हाँ ये है ना 78, दो लोग हैं। ठीक है, तो 9th रैंक तक हो गया, तो 10 + 11 / 2, तो ये हो जाएगा 10.5, तो इसको दे दो 10.5 रैंक, इसको भी दे दो 10.5 रैंक, और 70s में कोई घूम रहा है, इधर नहीं, 80 है उसके बाद, फिर ये 88 है, 89 है, 88 है, 88 में भी दो लोग हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास 11 रैंक तक तो हो गया है। अब ये जो 88 वाला है, ये दो लोग, ये क्या जाएंगे, ये 12 रैंक जाएंगे प्लस 13 रैंक जाएंगे डिवाइडेड बाय 2, तो ये होता है 12.5, तो इनको दे दो 12.5 रैंक दे दो, इसको भी दे दो 12.5 रैंक। उसके बाद फिर कौन सा है, उसके बाद फिर 89 है, तो 13 रैंक तक हो गया, तो ये हो गया 14 रैंक। ठीक है, अब इसको चेक करना है, तो 6 + 8 कितना होता है 14, हाईएस्ट रैंक क्या गया है 14, इसका मतलब हमारा भैया कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, यू निकालना पड़ेगा, और यू निकालने के लिए R1 या फिर R2 का जरूरत पड़ेगा। तो निकालो भैया, 9 + 2 = 11, 11 + 12 हो जाएगा 23.5, और 23.5 + 3 26.5 प्लस 5 31.5 प्लस 1 32.5, ये हो गया 32.5। अब इसको भी जोड़ लो, 7 + 5 = 12, 12 + 14 = 26 + 12 = 38 + 8 हमारे पास है 46 + 5 = 51 + 10 + 10 = 20, 71, और ये आधा आधा मिला करके 72 हो गया, और ये आधा ये भी था, तो 72.5।
तो भाई R1 आ गया 32.5 और R2 आ गया 72.5। अब हमें देखना है कि भाई फार्मूला कौन सा लगे। तो यहाँ पर देखो N1 है 6 और N2 है अपने पास 8, तो ये वाला कंडीशन है, N1 छोटा है N2 से, तो हमारा फार्मूला यही लगेगा। तो लगाओ U इज इक्वल टू N1 प्लस N2, तो ये हो गया 6 प्लस 8, उसके बाद फिर से प्लस, इसको थोड़ा सा ऐसा खींच लेते हैं, तो ये है अपने पास क्या N1, तो हो गया 6, ब्रैकेट में क्या है N1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस R1, तो R1 क्या है अपने पास ये 32.5। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 6 प्लस 8 कितना हो गया 14, प्लस ये 6 इंटू 6 प्लस 1 तो 6 इंटू 7 42 हो गया, 42 डिवाइडेड बाई 2 तो सीधा लिख दो 21 माइनस 32.5, इसको सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 21 प्लस 14 35, 35 माइनस 32.5 तो ये बचेगा 2.5, यू का वैल्यू निकल गया भैया। अगला क्या निकालना है आपको, मीन निकालना है, तो निकालो मीन इज इक्वल टू N1 इंटू N2, तो 6 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 2, तो 48 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू आ गया 24, ठीक है। उसके बाद फिर आपको निकालना है स्टैंडर्ड डिविशन, तो निकालो स्टैंडर्ड डिविशन में निकाल ही डालो अंडर रूट N1 इंटू N2, तो 6 इंटू 8, उसके बाद फिर इंटू ब्रैकेट में N1 प्लस N2, 6 प्लस 8 प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई 12, ठीक है, अंडर रूट 6 इंटू 8 48 इंटू, ये हो गया 8 प्लस 6 14 प्लस 1 15 डिवाइडेड बाई 12, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 48 इंटू 15 करो तो ये हो जाएगा 720 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू अंडर रूट, ये हो जाएगा 60 इज इक्वल टू, रूट से बाहर निकाल लो तो ये हो जाता है अप्रोक्सीमेटली 7.75, ठीक है। तो सारे वैल्यूज हैं, अब सीधा सीधा जेड का वैल्यू निकालना पड़ेगा हमें, तो निकालो भैया जेड इज इक्वल टू यू का वैल्यू कहाँ है भाई, ये 2.5 माइनस मीन, तो मीन कहाँ है भैया, ये 24 डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डिविशन क्या है 7.75 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा अपने को 21.5 और ये मॉड्यूलस में है, मॉड में है, डिवाइडेड बाई 7.75 तो ये हो जाएगा 20, मॉड से बाहर निकल के प्लस हो जाता है 21.5 डिवाइडेड बाई 7.75 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है हमारे पास 2.77, ये हमारे पास आ गया जेड कैलकुलेटेड। अब जेड टेबुलेटेड वैल्यू कितना होता है 0.05% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं था, तो ये होता है हमारे पास 1.96। तो यहाँ पर देखो जेड टेबुलेटेड और जेड कैलकुलेटेड का कंपेयर करोगे तो यह है 2.77 और यह 1.96, मतलब जेड कैलकुलेटेड हमारे पास क्या है बड़ा है, इसका मतलब वी आर फेल्ड टू एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस। कहने का मतलब यह है कि नल हाइपोथेसिस कैन नॉट बी एक्सेप्टेड, इसका मतलब यह हुआ कि HA अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कैन बी एक्सेप्टेड। तो जो क्वेश्चन में पूछा था हमको कि इट इज द हाइपोथेसिस दैट द एवरेज मार्क्स ऑफ बोथ द सैंपल्स आर इक्वल, तो भैया दोनों का जो मार्क्स है इक्वल नहीं था, दोनों में डिफरेंसेस थे और सिग्निफिकेंट डिफरेंस थे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन, मैन विटनी यू टेस्ट या फिर विलकॉक्सन रैंक सम टेस्ट आपको बोलेगा, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। थैंक यू सो मच।